आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो तमाम देखने वालों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। चाहे आप स्टूडेंट हो, किसी जगह जॉब कर रहे हो, या फिर आप एम्प्लॉयर हों, तमाम के लिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट इंग्लिश डिक्शनरी के हवाले से बताऊँगा, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ये डिक्शनरी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ साथ सेलफोन पर भी इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप इसको ऑफलाइन यानी कि बगैर इंटरनेट के भी इजीली यूज़ कर सकेंगे। डिक्शनरी होने के साथ साथ ये आपको ट्रांसलेटर और रीडर का फंक्शन भी प्रोवाइड करेगी। आप इस ऐप को इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू टू इंग्लिश भी ईजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दें, और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप इस डिक्शनरी को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर किस तरह से इंस्टॉल कर सकेंगे। आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल ब्राउज़र को ओपन करना है। गूगल का होम पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने गूगल के सर्च बार में वर्ल्ड इन इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी राइट डाउन करना है। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कीजिएगा। आपके पास जो पहला लिंक होगा इसको आपने क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे व्यूअर्स, अब आपने सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से कुछ ही सेकंड्स में आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये ऐप डाउनलोड भी हो चुकी है। देन जो भी आपका डाउनलोड फोल्डर होगा उसमें आपने जाना है। यह ऐप कुछ इस तरह से आपके पास शो होगी, और इसको अब आपने व्यूअर्स राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल सा इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है, इसको आपने फॉलो कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये ऐप आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। आपके डेस्कटॉप पे भी इस डिक्शनरी का शॉर्टकट शो होगा, इस पर क्लिक करते हुए आप इसको ओपन कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से व्यूअर्स आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्यूअर्स आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो लाजमी नहीं है कि बिल्कुल आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही एंटर करें। यहाँ पे आप फर्जी इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन में आपका नाम है, जेंडर है, एज है, मैरिटल स्टेटस, इसके बाद यूजर टाइप है। एम्प्लॉयड के केस में आपने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट या कंपनी का नाम लिखना होगा। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखने के बाद कंट्री को आपने यहाँ से चूज कर लेना है, सिटी मैंशन करना है, और एड्रेस और एरिया को लास्ट में बताना होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद सिंपली आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये ऐप व्यूअर्स आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये तो व्यूअर्स मैंने आपको बताया कि आप इस ऐप को किस तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी तरह आप इस ऐप को अपने सेलफोन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने प्ले स्टोर में जाना है और इस ऐप को सर्च करना है। ये सामने यहाँ पे प्ले स्टोर को भी ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वर्ड इन डिक्शनरी लिखूंगा तो आपके पास ये ऐप शो हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं मैंने वर्ड इन इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी लिखा है, ये ऐप मेरे पास शो हो चुकी है। जो पहली ऐप होगी इसको आपने सिंपल क्लिक करते हुए डाउनलोड कर लेना है। अब व्यूअर्स हम बात करते हैं इस डिक्शनरी के फंक्शंस की। तो यहाँ पे आप जो भी वर्ड टाइप करेंगे उसका आप सिंपली मीनिंग देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिक्शनरी का ऑप्शन ही सिलेक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेल्दी, तो ये आप देख सकते हैं इस वर्ड को मैंने सर्च किया है, डिक्शनरी ने इसकी तमाम डिटेल्स मुझे बता दी हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी है। इसके साथ साथ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी बताया गया है। देन इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको स्पीक पर क्लिक करेंगे, ये आपको बोल के भी बताएगा कि आपने इस वर्ड को किस तरह से बोलना है। इसी के साथ ही उस गूगल इमेज का ऑप्शन, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वर्ड से रिलेटेड जितने भी इमेजेस होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगे। देन विकीपीडिया है, इंटरनेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप विकीपीडिया से भी अपने वर्ड के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दोबारा से हम डिक्शनरी पे जाएंगे। देन यहाँ पे व्यूअर्स आप नीचे देखें तो यहाँ पर ट्रांसलेटर का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप अपना टेक्स्ट लिख के इसको ट्रांसलेट भी कर सकेंगे। इसी के साथ फिर रीडर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख के इस डिक्शनरी से उसको रीड भी करवा सकते हैं। सिंपली आपने अपना सेंटेंस या वर्ड यहाँ पे लिखना है और यहाँ से स्पीक के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये आपको उस सेंटेंस को रीड करके भी बताएगा।
और यहाँ से आप अपनी स्पीड भी चूज़ कर सकते हैं, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप स्पीड को यहाँ से चूज़ करेंगे, उसी स्पीड के अकॉर्डिंगली ये डिक्शनरी आपको आपका सेंटेंस या वर्ड रीड करके बताएगी। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश डिक्शनरी के हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इस डिक्शनरी को आप एज अ ट्रांसलेटर रीडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन भी ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कॉन्टेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।